गाइज वंस अगेन योर वामली वेलकम टू हार्टमैन सिक्स असल हार्टमैन की पब्लिक तो गाइज PUBG मोबाइल में एक और सुपर कार आ चुकी है तो इस वीडियो में सिर्फ आपको मैंने ये बताना है यहाँ पेकोनिक जो न्यू कार आई है इसको कैसे निकालना है कितनी यूसी लगती है और सबसे सस्ते में क्या तरीका है और सबसे महंगे में क्या तरीका है आपके जितने में जहन में डाउट है ना कि जो बंदा ये सोचता है कि भाई ये सुपर कार लैम की जैसे कि टेस्ला हो गई मैकलॉन हो गई ये कैसे निकलती है क्या होता है क्या सीन है सब इस वीडियो में बताऊँगा हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारे चैनल पर गिवेज़ होते रहते हैं यूसी के तो जिन लोगों ने सिर्फ सब्सक्राइब किया होगा उनको ही मिलेगी इससे पहली वीडियो जो है उस पर भी मैं यू का गिव वे करूँगा जाके अपनी पबजी आई नंबर और जो नाम है कॉमेंट कर देना वीडियो यहाँ सामने शो हो रही होगी जो इससे पहली वीडियो है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा तो गए चलो यहाँ से वीडियो का आगाज़ करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते देखो गए सीन ये है कि मैंने यहाँ पे आपको पहले मैं दिखा देता हूँ सही है यहाँ पे ये मेरी देख लो इस जगह पे सीडान सीडान में यहाँ पे मेरे पास ये टेस्ला भी है ठीक है यहां देख सकते हो अब मुझे सही अंदाजा है ये कितनी यूसी में निकलती है और क्या हिसाब किताब है आपको सबसे पहले बताता हूँ अभी जो कार्स आई हैं कॉनिक सेग की वो बताता हूँ उनमें क्या क्या नई चीजें हैं यहाँ पे इनके तीन एडिशंस हैं यहाँ पे अगर हम जाते हैं रिडीम पे ठीक है तो यहाँ पे ये देख लो पहली ये है ये नया मॉडल है इससे पहले भी आया ये न्यू मॉडल है और उसके बाद ये है हमारे पास डासिया की स्किन और ये है डबल सीटर जो वो आर भी होती है उसकी स्किन है और एक और डबल सीटर है उसकी भी ये स्किन है अब ये कार दो तरह की आती हैं एक होती है फुल वर्जन जिसमें हमें तीन कार्स लगते हैं और यहाँ पे हमें ये मिल जाती है और दूसरा वर्जन होता है सिंगल कार्ड वाला सही है अब सिंगल कार्ड का फायदा सिर्फ यही होता है कि हमें कार तो मिल जाती है लेकिन वो लॉबी में नहीं आ सकती ना ही वो उड़ते वक्त जब हम लैंड करते हैं वहाँ शो नहीं होती अगर आपकी कार चाहते हो कि लॉबी में आए तो फिर ये तीन कार्ड वाली जो होती है ना ये हमें लेनी पड़ती है अब मैंने टेस्ला तीन कार्ड वाली निकाली थी उस वक्त तो मेरी तो लॉबी में आती है लेकिन मैकलान सिंगल वाली है यहाँ पे अब गाइज मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास दोनों कार मौजूद हैं अगर आप में से कोई बंदा भी ये वाली स्पिन करना चाहता है तो भाई साहब आपकी आप तीस हज़ार यू लगेगी एक कार के लिए सिर्फ एक कार्ड ये देख रहे हो इस जगह पे जाने के लिए सिर्फ़ एक कार्ड के लिए तीस हज़ार यू पबजी वालों ने अगर किसी ने मतलब ये सोच रहा है कि अगर मुझे कोई लूट ले ठीक है ये सोच रहे मुझे अगर लूट ले तो ये वाली स्पिन करे भाई साहब ऐसा लूटते हैं पबजी वाले कि आपकी सोच है बहुत ज़्यादा महंगी तरीन स्पिन ये है पबजी मोबाइल में जितनी भी स्पिन है जैसे कि एक्स सूट हो गया उससे भी महंगी ये स्पोर्ट्स कार, है, कार हैं सुपर कार्स हैं जो कि बहुत महंगी हैं अब ये कोइन से चलाने का तो भाई अपना ही मज़ा अपना शशका है मतलब जिसके पास हो भाई उसको तो कहेंगे कि ये कैसे निकाली है आपको पता है पिछली दफ़ा एक ग्लिच था ग्लिच ये था कि ये जो है ना यहाँ पे गन्ज ये गन्ज आती हैं पाँचवें नंबर पे पिछली दफ़ा पाँचवें के बजाय ये थी चौथे नंबर पे और ये चौथे नंबर वाली चीज़ पाँचवें पे थी तो हमने किया ये कि यहाँ पे हमने चार चार की यहाँ स्पेंस स्पेंस करके ना तो गन्ज गन्ज रिडीम करते रहे तो टोटल तो हमारी आठ हज़ार लगी सिर्फ दस हज़ार तो मुझे यहाँ मेकलान भी मिल गई ये वाली जो पीछे खड़ी है और मैंने कई लोगों को निकाल के भी थी भाई उन्होंने पे किया था मुफ्त में नहीं दी थी पहले मैं आपको बता दूं उन्होंने पैसे दिए थे उन्होंने कहा था कि निकाल दो भाई उनके 20, 20, 000, 25, 000 पाकिस्तानी रुपीस लगे और उनको काल के भी दे दी पच्चीस पच्चीस हजार बीस बीस हजार में तो कितने फायदे की चीज थी लेकिन इस दफा कॉनेक्स एक तरह का कोई ग्लिस नहीं है आपकी वो पॉइंट्स की शक्ल में नहीं निकल सकती अगर आप एक कार निकालते हो तो तीस हजार यूसी और अगर आप यहाँ पर जाके फुल करते हो तो आपके ऑलमोस्ट कोई पचास हज़ार यू भी लग सकती है पैंतालीस हज़ार भी लग सकती है लेकिन 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 गाइस एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताता चलूँ ये जरूरी नहीं है कि तीस हज़ार यू ही लगेगी भाई किस्मत की बात है ऐसे लोग भी हैं जिनके दस हज़ार पंद्रह हज़ार में जैसे कि यहाँ पर आप पहली स्पिन करते हो तो यहाँ एक्सीलेशन होता है आपका हो सकता है पहली स्पिन में एक्सीशन यहाँ पर जाके पहुँच जाए तो यहाँ पर जाके पहुँच तो आपकी दस हज़ार यू सी पाँच हज़ार लगे और आपको यहाँ पर कौनिक से मिल जाए ये किस्मत की बात है अब आपको चलो वीडियो तो आपने देख ली अब मैं बताता हूँ इसको सबसे आसान तरी तरीका क्या निकालने का देखो गाइज बी में सबसे प्यारा एक इवेंट आता है वो इवेंट ये आता है कि अगर आपने दस हजार यूसी स्पेंड की है दस हजार यूसी बी की बात कर रहा हूं तो यहां पे आपको एक कार्ड फ्री में मिल जाता है अब वो इवेंट पबजी मोबाइल वाले नहीं देते कभी वो दें गाइज तो आपको फ्री में मिल सकता है वो इस तरह कि यहाँ पर रॉयल बास के आर एक्टिविटीज पॉइंट होते हैं ना इस जगह पे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आर पी एक्टिविटीज़ पॉइंट ये वाले आपने यहाँ पे टोटल पाँच हज़ार आर पी एक एक्टिविटी पॉइंट लेने होते हैं एक दफ़ा और ये इवेंट एक महीने का होता है और दूसरा रॉयल पास इसके अंदर ही आ जाता है दोबारा पाँच हज़ार एक्टिविटी के पॉइंट लेने होते हैं टोटल आपकी दस हज़ार यूसी स्पेंड हो जाती है और आपको ये कार्ड फ्री में मिल जाता है और आपकी कौन कॉनिक सेग और जो भी मैकलान हो जो भी यहाँ स्पोर्ट कार आई वो फ्री में मिल जाती है ये सिर्फ बी जी एम आई वों के मज़े हैं पब्जी मोबाइल वाले पता नहीं ऐसा इवेंट क्यों नहीं देते अगर आपको मैं बताता चलूँ अगर आपने ट्राई करनी है ना इस इवेंट में कि शायद आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो इसका एक तरीका है मैं बताता हूं तरीका क्या है निकालने का पबजी मोबाइल में यहां पे सबसे पहले तो इसके वोचर लो वोचर लेने का तरीका ये है कि जाओ यहां पे इवेंट्स में इवेंट्स में चले गए और यहां नीचे की तरफ जाओ तो इवेंट आया होगा कॉनिक हैज़ अराइव तो यहाँ पे ये वोचर लो यहाँ पे आपको बीस यू सी का वोचर मिल जाएगा सही है अब आपको वोचर मिल गया अब यहाँ पे आपने डेली का वोचर लेते रहना यहाँ पचास यू सी का भी मिलेगा अब वोचर से आपको डिस्काउंट मिलेगा अब आपने जाना है यहाँ से एक पे डेली ठीक है डेली जाके आपने यहाँ पहली स्पिन करनी है जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ स्टार्ट एक्सेशन करनी है तो यहाँ पे आपका एक्सेलेशन स्टार्ट होता तो गाइज तो यहाँ तीन आ गया अब आपने ये पॉइंट्स कलेक्ट नहीं करने सही है आपने यहाँ नॉर्मल एक्सेलेशन करना है अब इसमें हो सकता है आपका छक्का लगे और यहाँ जाके आपको फ्री में गन मिल जाए या मिथिक सूट मिल जाए या यहाँ डायरेक्ट कार्ड मिल जाए या हो सकता है आपको ये मिल जाए लेकिन ज़्यादातर यहाँ फेल ही होता है तो नॉर्मल में हमारा नॉर्मल एक्सेलेशन करते हैं कोई उसी मेरी स्पेंड नहीं होगी और यहाँ पर गाइज देखो मेरा फेल हो गया मुझे एक पॉइंट मिला अब देखो बताने का मकसद क्या है कि आपकी यहां किस्मत चल सकती है सिर्फ यहां तीस यूसी मेरी लगी है और तीस यूसी का फायदा क्या है भाई तो यहां फायदा यह है कि यहां डायरेक्ट हो सकता था मुझे हेड गेयर मिल जाता या फिर यहां पर ये ये उजी मिल जाती तो भाई काफी फायदा था पैराशूट मिल जाता या फिर यहां कार्ड मिल जाता ये ट्राई एक दफा कर लेना आपकी यूसी तो थोड़ी ज़ाया होगी लेकिन एक ही पॉइंट मिलेगा बाद में उस पॉइंट से यहाँ रिडीम कर सकते हो हाँ देखो रिडीम करने के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे ये क्लासिक क्लासीिक्रिएट कर सकते हो ये कर सकते हो लेकिन रिडीम ना करना क्योंकि ये कॉइन्स जो होते हैं ये एक्सपायर नहीं होते ये लाइफ टाइम तक रहते हैं अगर आपके पास कोई भी कॉइन्स हैं ना यहाँ पे इनके स्पोर्ट्स कार की तो अगली आने वाली जो स्पोर्ट्स कार होगी उसमें दोबारा ये यूज़ हो जाएंगे एक्सपायर नहीं होते तो इसका काफ़ी फ़ायदा है तो यही बातें थी भाई मैंने तो ये नहीं निकालनी कार अगर आपने निकालनी है तो तीस हज़ार लगेगी तो निकल आएगी और अगर कम में निकालना चाहते हो तो किस्मत की बात है जैसे मैंने अभी ये तरीका बताया ना स्टार्ट एक्सलेशन और नॉर्मल एक्सलेशन करना फिर उसके बाद हो सकता है आपका छक्का यहाँ लगे और आपको भाई साहब यहाँ पे ये यह कार मिल जाए तो ये एक ही तरीका है इसको लेने का और कोई नहीं है आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइज़ दोबारा बताता चलूंगा इससे पहली वीडियो जो थी हमारे पास मम्मी सूट वाली उस पर एक रॉयल पास तो नहीं लेकिन यूसी का गिव अवे करूंगा वो मैं बता दूंगा थोड़ी बहुत जितना भी यूसी होगी वो मैं एक दो बंदों को गिव अवे करूंगा संडे के दिन ठीक है और इससे पहली वीडियो जो थी उस पर भी कॉमेंट कर देना जो रॉयल पास की वीडियो थी मैंने कहा था उसमें भी कुछ ना कुछ यूसी गिव अवे करूँगा वहाँ पर दोनों वीडियो के लिंक यहाँ यहाँ पिक्चर शो कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जाके कॉमेंट कर देना इस संडे को इनशाला ज़रूर कोई ना कोई वीडियो बना पे उस पर कमेंट कर देंगे बाकी गए आज के दिन की एक स्पिन रहती थी मैंने सोचा जब वीडियो बनाऊंगा ना तो ये लकी स्पिन जो है ना डेली की करता हूं इसमें कर लेते हैं सही है तो देखते हैं अभी क्या मिलता है हमें तो गाइज़ यहाँ मुझे पैराशूट मिल चुका है फाइनली फाइनली पैराशूट मिल चुका है दस यूसी में तो ये अच्छी बात है ठीक है तो यहाँ मैं पैराशूट देख लेता हूँ किस तरह का पैराशूट है यहाँ क्रेट भी आया हुआ क्या 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 हाँ यहाँ पे काम की चीज़ आई हुई है ये भी इस पर वीडियो में सेपरेटली बनाता हूँ तो यहाँ पे ये तो एक ये चीज़ है ना यहाँ पे जाते हैं पैराशूट है। यहाँ पे हम चलते हैं लकी स्पिन पे और यहाँ पे चलते हैं इस जगह और ये पैराशूट है ये वाला ठीक है ये देख रहे हो ये वाला रेड कलर का बस यही है मेरी कलेक्शन बढ़ गई है और क्या चाहिए बाकी ब्रैम्बल बी का अभी स्पिन मैं नहीं कर रहा जब वो देख लेंगे बाद में क्या सीन बनता है तो बस यही मैंने समझाना था कोनिक सिक्स की स्पिन के बारे में तो आप कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए